अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आप हजरात की खिदमत में ख्वाब में कछुआ देखने की ताबीर बयान करने वाला हूँ। ख्वाब और ताबीर का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें वहाँ फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ख्वाब में कछुआ देखना कैसा है? अगर किसी शख्स ने ख्वाब में कछुआ देखा है तो उसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला किसी अच्छे आलिम से, हालिम बामल से फैज़ पाएगा, या इसी तरीके पर इसको दुनिया की दौलत और दुनिया के असबाब खूब मिलेंगे। दूसरा ख्वाब है घर में कछुआ देखना। किसी ने ख्वाब में अपने घर में कछुआ देखा है तो उसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला किसी अच्छे इंसान की सोहबत इख्तियार करेगा, किसी अच्छे इंसान के पास उठना बैठना करेगा जिससे इसको खूब फायदा भी होगा। नंबर तीन, नापाक और गंदी जगह में कछुआ देखना। किसी ने नापाक और गंदी जगह में कछुआ देखा है तो उसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला लोगों को नुकसान पहुंचाएगा और लोगों के लिए अजियत और परेशानी का जरिया बनेगा, ये ख्वाब अच्छा नहीं है। चौथा ख्वाब है कछुए का गोश्त खाना। किसी ने ख्वाब में देखा कि वो कछुए का गोश्त खा रहा है तो उसकी ताबीर ये है कि ख्वाब में जिस शख्स ने जितना कछुए का गोश्त खाया है उतना ही इल्म हासिल करेगा, इल्म हासिल करने की इसको तौफीक होगी और इल्म हासिल करने के लिए जिद्दोजहद तगो दो और भाग दौड़ करेगा। ये हमने आपकी खिदमत में कछुए से मुतालिक चार ख्वाबों की मुख्तलिफ ताबीरें पेश की हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआओं की दरख्वास्त है, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।